हेलो स्टूडेंट्स बेटा, हमने अभी में अपना जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड नस्ट इक्वेशन। एक बार बेटा फिर से आप याद कीजिएगा, नस्ट इक्वेशन क्या था? नस्ट इक्वेशन था बेटा कि हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी ई सेल है, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा किसी भी कंसेंट्रेशन पे। ये जरूरी नहीं कि सभी कंसेंट्रेशन का यूनिटी हो। SHE को यूज करते हैं बेटा, SHE जाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स मोलर कंसेंट्रेशन क्या हो, SH+2 वन हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन हो, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर क्या था, 1 bar था। अब बेटा जिस सोल्यूशन का क्या कर रहा हो, जानना हो, फाइंड आउट करना हो, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। और इसी रिलेशनशिप के, इसी के कैलकुलेशन के लिए जो नस्ट इक्वेशन दिया था वो बेटा आप फिर से निकाल करिए, क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, मीन्स ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी पे बेटा रख के हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये तो पढ़े थे आज बेटा, इसी के बेस पर इतनी मेहनत कर देखते हैं। अब करो बेटा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए बेटा आप कॉन्सेप्ट समझो, ईएमएफ क्या है, पहले ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ लो। हम क्या करते थे बेटा बताएं, जब मेटल को रॉड को क्या करते हैं, डीप करते हैं किसी सोल्यूशन में, इट बिकम्स एज द पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन के रेस्पेक्ट क्या होती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटा दो हाफ सेल के बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज द ई सेल, मींस ई ई सेल। अब बेटा जब हम क्या करते हैं कि, या सेल पोटेंशियल कहते थे, जब सेल क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी ना कर रहा हो, मीन्स सेल से जो है हम क्या करें करंट ना पा रहे हो, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमें मिल जाती है बेटा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन व्हिच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें बेटा ये रिएक्शन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है और ई नॉट सेल मुझे वैल्यू दे दिया। तो बेटा सबसे पहले आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट समझ लो। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसमें इसमें बेटा हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट सेल, या इसको क्या करते हैं, ई सेल, तो ई नॉट सेल, ई नॉट की वैल्यू बेटा बताया है क्या, 1.05 माइनस, ये ई नॉट सेल की वैल्यू होती है बेटा 1.05 वोल्ट, चलिए वोल्ट भी लिख देते हैं, वोल्ट माइनस ये 0.059 डिवाइड बाय। अब बेटा आप ये समझेंगे कि सर हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा कुछ आपको बता रहा हूं, स्टेप्स आप समझ लो। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे। देखिए जैसे बता रहा हूँ बेटा, एन की वैल्यू वहीं से मिलती है, मीन्स आप समझो एन आई इज चेंजिंग इन टू एन आई प्लस टू, तो माइनस करेंगे बेटा इसमें प्लस टू चार्ज है, ये क्या करेंगे तो इलेक्ट्रॉन करके दोनों में माइनस हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, एजी टू एजी प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टू एजी में, तो यहाँ बेटा डिफरेंस किसका, टू इलेक्ट्रॉन का। देखिए ये करेंगे ये बैलेंस हो जाएगा, फिर आपका रिएक्शन क्या बनेगा, एन आई प्लस टू ए जी प्लस गिव्स एन आई प्लस टू प्लस टू ए जी। देखिए ये इक्वेशन है कि नहीं है, एन आई प्लस टू ए जी प्लस एन आई प्लस टू प्लस टू ए जी। अब बेटा तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में फोर पार्टिसिपेट किए पूरे रिएक्शन में, देखें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 2, ये 2 log कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बेटा प्रोडक्ट है। ये क्या था, देखिए इसके साथ सॉलिड लिखा होगा, जिनके साथ बेटा सॉलिड यस लिखा होगा उनकी मोलर कंसेंट्रेशन क्या होती है, 1 कंसीडर की जाती है। तो अब प्रोडक्ट में बेटा क्या करेंगे कि हमारे पास दो प्रोडक्ट एन आई प्लस टू एच की स्कॉल मान लेंगे, तो बची है इसका एन आई प्लस टू का प्रोडक्ट log कंसेंट्रेशन ऑफ निकिल आयन, निकिल आयन बेटा कंसेंट्रेशन क्या है, 0.16 मोलर, 0.16
160 डिवाइडेड बाय कंसिंग प्रेशर ऑफ, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड में निकल के आया सॉलिड इसकी यूनिट लेंगे 2ag प्लस ag कंसंट्रेशन ये क्या है 0.002 मोल। ये सॉल्व करेंगे बेटा पूरी वैल्यू को। हाँ एक मिनट और एक चीज और गलती करें, ये 0.2 से अब देखो बेटा मोलर कंसंट्रेशन ए की 2 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगा 2। ये सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको जो मिलेगा बेटा 0.91 वोल्ट। थैंक यू।